हेलो गाइस, या व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं फ़्रेश होके आई हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं बेटर फील कर रही हूँ। और फ़ेस वॉश करने के लिए जो मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो जेंसुई का फ़ेस वॉश है। ये जो है फॉर्मिंग टाइप फेस वॉश है और ये तमाम यानी ऑयली स्किन जिनकी होती है उनके लिए ये बेस्ट फेस वॉश है। और जिनको एक्नी वगैरह होती है वो लाजमी ये फेस वॉश यूज़ करें। तो मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे फेस पर जो है एक्नी रहती रहती है, तो ये फ़ेस वॉश जो है बहुत अच्छा है। तो आप ये जो फ़ेस वॉश है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक हो गया, अच्छे तरीके से आपने फ़ेस को वॉश करना है। 2 मिनट में लगा कर रख लेती हूँ और उसके बाद जो है हल्के हाथों से इसको रब करती हूँ और फिर जो है मैं अपना फ़ेस वॉश कर लेती हूँ किसी ठंडे पानी से। तो अब बस मैं अपना फ़ेस वॉश कर रही हूँ और आज का व्लॉग जो है वो रैंडम व्लॉग है। मैंने इसमें चने किस तरीके से आप मिनटों में बॉईल कर सकते हैं वो मैंने बताया है, दही की रेसिपी है और इसके अलावा यमी से अचार की रेसिपी। ये इमरान और मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये विंडो से आकर मुझे मना रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। तो यहाँ पर जी मैं चने बॉईल कर रही हूँ। आप किस तरीके से इजीली जो है कुछ ही मिनटों में या 15 से 20 मिनट में जो है आपके इजीली चने बॉईल हो जाएंगे। होता है ऐसा है कि अक्सर रमज़ान में चने की जो है बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप चाट जो है चने की लाजमी बनाते हैं और बिरयानी में भी डाल सकते हैं, पुलाव वगैरह में। तो चना जो है वो रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाज़ औक़ात अगर आपको लेट हो रही हो तो आप इस तरीके से बॉईल कर सकते हैं। आप किस तरीके से बॉईल करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आज जो है बस मैंने छोटी छोटी सी आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर की हैं और आप सब लोग बताएं कि क्या हाल चाल हैं आपके और कैसे आपके रमज़ान का जो है ये महीना गुजर रहा है और ईद की तैयारियां आप लोगों की कैसी चल रही हैं। क्या आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली या कर रहेंगे अभी? और तो ये पानी बॉईल हो गया, अब जो है बस मैं इसमें चने डाल दूँगी। और अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की तो क्या आप लोग लास्ट के डेज़ में करते हैं या आप रमज़ान से पहले ही तैयारी कर लेते हैं? तो लाजमी बताया करें आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। तो अब जो है मैं 2-3 चने निकाल कर उसको इस तरीके से मसल कर चेक कर लूँगी। अगर वो टूट रहे तो हमारे चने जो है वो पक चुके हैं। और तकरीबन ये मैं बताऊं आपको कि ये मैंने चने जो हैं 20 मिनट्स उबाले हैं, तो मेरे चने जो हैं इस हद तक जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं। और ये जो है मैंने बनाया है अचार, तो इंशाल्लाह ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि अचार कैसे बनाना है, क्या करना है। क्योंकि गर्मी का सीज़न है और अभी आम भी आने वाले हैं, तो अभी कच्ची केरियाँ जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अचार बना कर रखें और आराम से 1 साल 2 साल के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, जितना भी आपको चाहिए हो। अगर आपको इंस्टेंट अचार चाहिए तो वो भी मैं इस रेसिपी में आप लोगों को बता दूंगी। और ये मैंने यहाँ पर बनाई है दही। तो दही क्योंकि रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और वैसे भी क्योंकि अभी जो है गर्मियाँ हैं तो दही तो मस्ट है जी। तो दही मैंने बना कर रखी है और ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने दही कैसे बनाई है। आज का व्लॉग अगर ये रैंडम सा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। यहाँ लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।